अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है? दैट इज द नेक्स्ट वन नेचर ऑफ द हार्मोनल चैप्टर जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें जो फर्स्ट हार्मोन मैंने आप लोग करवाया वो था थायराइड सिमिलेटिक हार्मोन, आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है? द एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इट इज आल्सो, ठीक है? अब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को हम लोग विल कॉल नंबर ACTH, इसको एब्रिविएशन फॉर्म में ACTH भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन और कॉर्टिकोट्रॉपिन, ठीक है? आप इसको कॉर्टिकोट्रॉपिन भी कह सकते हो या एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिन भी कह सकते हो। इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है? ट्रॉपिक हार्मोन, व्हाट इज मीन बाय पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट? वी विल कॉल देम द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है? अच्छा, एंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय विच विल ग्लैंड? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको जो प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास कौन करेगा? दैट इज प्रोड्यूस बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, ठीक है, एड्रीनल एक्सेस, ये मैं समझाती हूँ। एंड इट इज ऑफन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल स्ट्रेस। अब बायोलॉजिकल स्ट्रेस अलॉन्ग विद इट्स प्रिकर्सर कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इसका जो मेन फंक्शन है, इट्स प्रिंसिपल इफेक्ट आर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है? अब इसका जो मेन फंक्शन है वो किस चीज को रिलीज करेगा? ये कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा बाय द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या है? इट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है? एंड ऑल्सो इफेक्ट ऑन द आर न्यूट्रल रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल में हेल्प करेगा। इट इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड डिक्रीज इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस। बेसिकली आपके पास आपकी जो बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो आपको पता है आपको भूख नहीं लगती, वट एवर, तो उस चीज को, उस स्ट्रेस को कम करने का काम भी हमारे पास किस चीज का है? इस कॉर्टिसोल का। एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारे पास इन्फ्लेमेशन को क्या करना, इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जिसमें आपकी बॉडी रेड हो जाती है, ठीक है? कोई पार्ट रेड होगा, उसके अलावा स्वेल होती है इसमें, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको सप्रेस करने का काम भी किसका है बच्चे? हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अच्छा, दैट इज बेसिकली होता क्या है हमारे पास, इसको फिर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को करवा देती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ आए। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है? हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करेगा, एक प्रिकर्सर रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड व्हाट? कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड CRH। ये जो आपको यहाँ पे मैंने CRH लिखवाया है, यहाँ पर CRH अगर आप लोग देख लें अभी, ये लिखा है CRH, ठीक है? अब ये जो CRH है ये क्या है हमारे पास, हाइपोथैलेमस एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिको, सी का मतलब होगा कॉर्टिको, ठीक है, ट्रॉपिन, एंड आर का मतलब क्या होगा, रिलीजिंग, ठीक है? और किसको करेगा, हार्मोन को करेगा। अब ये जब हार्मोन करेगा तो ये इंक्लूड क्या होगा, ब्लड में, ब्लड में आने के बाद इट डायरेक्टली टारगेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट टारगेट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज इज द हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इस वजह से हम लोग उसको क्या कहेंगे, वी कॉल देम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, इसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स। वो सेल जो कि ACTH को रिलीज करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉल नंबर कॉर्टिकोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स। अच्छा, ये जो कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल, ये मैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मैं आपको ये जो ब्लैक कलर के राउंड राउंड सेल्स हैं, ये जनरल में बता रही हूँ, एग्जांपल में ले ले,
सो दिस इज व्हाट दिस इज द कॉर्टिकोट्रॉप सेल. ये हमारे पास क्या है, कॉर्टिकोट्रॉप सेल है. कॉर्टिकोट्रॉप सेल पर ये कौन सा फैक्टर रिलीज करता है, इट एक्ट ऑन द कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. इस सेल को एक्टिवेट करेंगे. सेल को जब एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉप सेल क्या होंगे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर रिलीज करते हैं हार्मोन को. इस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड अवर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ए का मतलब है एड्रीनो, सी का मतलब होगा यहाँ पर कॉर्टिको, टी का मतलब होगा ट्रॉपिक, एंड एच का मतलब क्या होगा, हार्मोन होगा. अच्छा, ये जो हार्मोन है इट एक्ट ऑन द एड्रीनल ग्लैंड. ये आपको नजर आ रहा है बच्चे, रिमेंबर वन थिंग के हमारे पास ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इट इज प्रेजेंट ऑन किडनी सर्फेस. तो अगर मैं इसकी रफ सी डायग्राम बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास किडनी, जनरल में बता रही हूँ, ठीक है. अब इसके ऊपर अ टाइप ऑफ ग्लैंड इज प्रेजेंट, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर. इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है. सो दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड. अब ये देखें, ये उसकी एक्चुअल डायग्राम है और ये मैंने रफ सी डायग्राम बनाया. तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, नॉट मिड, एड्रीनल कॉर्टेक्स का हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है. अब एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, नॉट मिडुला, ये क्या करेगा, तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली करवाऊं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये देखिए, ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है जो ऊपर होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस है. ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले सरफेस है दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. अब ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया जिसमें सोमेटोट्रॉप सेल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी ट्रॉपिक सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स. कॉर्टिकोट्रॉप सेल रिलीज करेगा हार्मोन को जिसको कहते हैं ACTH. ACTH रिलीज इन ब्लड, ये बेसिकली रिलीज कहाँ होगा, ब्लड में. ब्लड में रिलीज होने के बाद किडनी के ऊपर, अभी मैंने आपको करवाया कि मैंने रक्त डायग्राम जो इस तरह किया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाई. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास किडनी, किडनी के ऊपर ये मेरे पास ग्लैंड, ठीक है, और दैट वन ग्लैंड इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, ये रक्त है. तो ये जो ग्लैंड है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड का आउटर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड अवर कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स पर ये एक्ट करेगा और कॉर्टेक्स हमारे पास क्या चीज रिलीज करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा. And that hormone is basically called, this is called the cortisol. समझ आ गई कि cortisol किसे कहते हैं? अच्छा, what is the main function of cortisol? So ये तो था, ये basically corticotropic hormone कैसे release होता है, कैसे उसको function होता है. इस तरह भी मैंने कहा कि ACTH are secreted from the corticotrophs cell. ठीक है, अब इसको रिलीज कौन करेगा, कॉर्टिकोट्रॉप सेल इन द इंटीरियर पिट्यूटरी लोब और एडिनोहाइपोफाइसेस, ठीक है, ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पांस टू हार्मोन, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये जो प्रीवियस स्लाइड में ये देखिए, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एक्टिवेट इसको करेगा, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स को. ठीक है, अब देखिए, बाय द हाइपोथैलेमस ACTH सिंथेसाइज द प्री, ठीक है, प्रो ऑपियो मेलेनोकॉटिन. अब दैट इज व्हाट वी कॉल, दैट इज, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, इसको हम लोग कोड वर्ड में ये भी कहते हैं. ACTH बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम लोग कॉर्टिसोल भी कहते हैं. अभी जो मैंने आपको करवाया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, आई थिंक प्रीवियस डायग्रामेटिकली मैंने अभी कंप्लीट करवा दिया था बच्चे के व्हाट इज द कॉर्टिसोल. सो इसको हम लोग कॉर्टिसोल भी कहते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द बेसिकली स्टीरॉइड हार्मोन. ये हमारे पास कौन सा हार्मोन है, स्टीरॉइड हार्मोन है, ठीक है, एंड द एड्रीनल कॉर्टेक्स, एंड स्पेशली इन द जोन ऑफ फेस्टिकुलेटर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड के आउटर जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं और ये हमारे पास वो चीज रिलीज करेगा, ठीक है. ACTH also act by the binding of ACTH receptors which are located in the primarily on the adrenocortical cells of the adrenal cortex. अभी मैंने आपको करवाया ना बच्चे, basically क्या होगा,
कि फॉर एग्जांपल ये ACTH रिलीज हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो मैं डायग्रामेटिकली खैर यहाँ पर रक्स करवा देती हूँ। देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के साइड्स पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब ये मैं ले लाइक दिस, अब ये जो बाहर वाला होगा दैट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, ठीक है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं दैट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एड्रीनल कॉर्टिकल सेल्स। ये देखिए एड्रीनल कॉर्टिकल सेल। अब ये एड्रीनल कॉर्टिकल सेल के साथ क्या चीज बाइंड होगी, इसके साथ बाइंड होता है ACTH। तो अगर ACTH हार्मोन को मैं डायग्रामेटिकली चेंज कर दूं ताकि आप लोग को समझ आए, सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये इसका कलर और भी चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये ACTH हार्मोन के साथ बाइंड हो गया, बाइंड होने के साथ फिर हमारे पास कॉर्टिक्स जो है वो फिर रिलीज करता है एक चीज को जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड व्हाट, हम लोग उसको कहेंगे कॉर्टिसोल या आपको समझ आए, इज अ सेवन मेम्ब्रेन स्पैनिंग, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड विद द रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके बेसिकली अपॉन लाइगेंड लाइगेंड बाइंडिंग द रिसेप्टर अंडरगो कंफर्मेशन चेंजेस। ये जो रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड होगा तो बाइंड के साथ ये कंफर्मेशन चेंजेस करेगा, फिर हमारे पास क्या करेगा, स्टिमुलेट होगा एंजाइम, और उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एडेनाइल साइक्लेज, व्हिच लीड टू इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर साइक्लोन, ठीक है। ये पाथवे हमारे पास एंड सबसीक्वेंट एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ACTH also influence in the steroid hormone, ठीक है, steroid hormone secretion by both rapid and short mechanism, ठीक है, that take place within minutes and slower the long term action. Long term action को slow करेगा और जो further जो हमारे पास बाकी जो short नहीं long term को ये क्या करेगा, इसको slow करेगा ताकि आपके पास ये help हो किस चीज में, ताकि आप लोग जो कोई काम करते हो, कोई function करते हो, तो उस पे body को energy देने का काम basically इस hormone का है। अच्छा, द रैपिड एक्शन ऑफ ACTH इंक्लूड, ठीक है, दैट स्टिमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिलीवरी। अब ये जो है कोलेस्ट्रॉल को डिलीवरी करे किसको करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को करेगा, जो आपको अभी मैंने कहा भी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपके साथ क्या करेगा, इट्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये इनर्जी कैसे पैदा होती है, क्योंकि हमारे पास एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किसको टारगेट करेगा, कॉर्टेक्स को। फिर कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास क्या चीज रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल को करेगा। इसके अलावा ACTH जो है वो बेसिकली किसको स्टिमुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पर ये एंजाइम लोकेटेड है वहां पर लेकर जाएगा, और फिर ये एंजाइम जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, स्टेरॉइड जेनेसिस। स्टेरॉइड जेनेसिस का मतलब क्या होगा, स्टेरॉइड की फॉर्मेशन होगी। तो दैट इज द क्लीवेज चेन ऑफ द साइड चेन। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्रेक डाउन होगा, उसमें स्टेरॉइड, उससे स्टेरॉइड बनेगा। अच्छा, ACTH आल्सो स्टिमुलेट लाइपोप्रोटीन टेक इनटू कॉर्टिकल सेल। फिर इसको अभी मैंने आपको करवाया कि कॉर्टिकल सेल को वहां तक टारगेट एरिया तक पहुंचाना, एंड आल्सो इंक्रीज बायो एबिलिटी, ठीक है, ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सेल एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन, ठीक है। ये बेसिकली एंड्रोजन बाय द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एंड्रोजन का काम क्या होता है बच्चे, हमारे पास सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर में हेल्प करता है, और ग्लुकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, वो राइज करता है ग्लूकोज इन द ब्लड। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफी है। आई होप सो कि आपको इस हार्मोन की समझ आ गई होगी। जहां से कंफ्यूजन होती है बच्चे, तो काइंडली आप जब कॉलेज आ जाए करें तो फिर कॉलेज में जो है वो मुझसे कंसर्न करें, आई विल हेल्प, ठीक है। आज की इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़।